ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द सेकंड पार्ट ऑफ आवर लेक्चर फ्रूट थिनिंग। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स, राइट? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फ्रूट थिनिंग। ओके, first objective would be increase size of the remaining fruits, right? Increased color, improved dessert quality, increased marketable yield, less limb breakage, maintenance of tree vigor by reducing the exhaustiveness of fruiting, more regular fruit production in response to early thinning, removal of diseased and insect-injured specimens, and labor reduction at harvest. Right? These are the main objectives of performing. Okay. Effect of fruit thinning on fruit diameter, means on the fruit size. See, we have on a branch one fruit per cluster, two fruit per cluster, three fruit per cluster and four fruit per cluster. At harvesting, the diameter of this treatment or fruit was maximum. Okay, 6.91, where we had two fruit per cluster, the fruit size was 6.74. Okay. Three fruits per cluster, the size was further reduced and it was 6.21 centimeter. When we left four fruits per cluster, so then we had fruit size of 5.82 सेंटीमीटर। क्या मतलब है इसका? जितने ज्यादा बंच में फ्रूट होंगे, फ्रूट साइज जो है छोटी होती जाती है, ठीक है? कम फ्रूट पे फ्रूट साइज बढ़ती जाती है। ओके, now we have size of fruit and then we have number of fruits per kg, right? Where we had one fruit per cluster, we had 6.87 fruits per kg. Ek fruit mein kitne? Ek kg mein kitne fruits hai? 6.87. Where we had two fruit per cluster, number of fruits was increased 7.3. Increasing the number of fruit per cluster to 3, we have 8.68 fruits per kg. And when we had four fruits per cluster, we had 9.77 फ्रूट्स पर के। क्या मतलब है कि जिस तरह हम नंबर ऑफ फ्रूट्स पर क्लस्टर ज्यादा करते जाते हैं, ठीक है, तो फ्रूट साइज जो है कम होती जाती है और नंबर ऑफ फ्रूट्स एक केजी में जो है ना वो ज्यादा होते जाते हैं, ठीक है।
फ्रूट छोटे होते हैं और नंबर ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा, कलर पे क्या इफेक्ट पड़ता है? इफेक्ट ऑफ फ्रूट थिनिंग ऑन कलर ऑफ एप्पल, राइट? यू सी व्हेन वी हैव वन फ्रूट पर क्लस्टर द इंटेंसिटी ऑफ कलर वाज द हाईएस्ट 87% इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर। As we increase the number of fruit per cluster, the color intensity decreases, right? Less fruit, more prominent color of apple. ठीक है, जिस तरह जो है फ्रूट जो है ज्यादा होते जाते हैं, कलर क्वालिटी कम होती जाती है, तो थिनिंग करने से हमें कम फ्रूट पे अच्छे कलर का फ्रूट मिलता है। अपॉन डिजर्ट क्वालिटी, इफेक्ट ऑफ थिनिंग अपॉन डिजर्ट क्वालिटी। डिजर्ट, डिजर्ट क्या है? ठीक है, मिठास, खुशबू, ठीक है, the dry matter and total sugars in the fruits increases with the increased leaf surface. ठीक है, dry matter और total sugar जो है वो फ्रूट में बढ़ते जाते हैं, जिस तरह जैसे जैसे जो है लीफ सरफेस एरिया बढ़ता जाता है, यानी आप जब फ्रूट नंबर ऑफ फ्रूट कम करते हैं थिनिंग करके, तो उसको थोड़े फ्रूट्स को जो लीफ एरिया होता है वो ज्यादा मुहैया होता है, ज्यादा ड्राई मैटर जो है और टोटल शुगर वो कम फ्रूट को मिलते हैं। इन जनरल अबाउट 30 लीव्स पर फ्रूट्स आर रिक्वायर्ड फॉर एप्पल ऑफ गुड डिजर्ट क्वालिटी। अच्छी डिजर्ट क्वालिटी के लिए जो है हमें 30 लीव्स जो है चाहिए होते हैं एप्पल फ्रूट बनाने के लिए। ये एक जनरल इफेक्ट ऑफ फ्रूट थिनिंग ऑन TSS, टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स। ठीक है, सी इफ वी हैव वन फ्रूट पर क्लस्टर वी गेट 14.40% TSS, हैज बीन इंक्रीज्ड टू टू फ्रूट पर क्लस्टर TSS decreases 14.26, and in the bunch where we have three fruits further decreases only 13.70% TSS in the fruit, right? Effect of thinning upon yield. Thinning usually reduces the total yield of various fruits. थोड़ी बात है, आप जितने फ्रूट कम करते जाते हैं टोटल यील्ड कम हो जाती है। ए हेल्दी क्रॉप रिक्वायर्स मोर थिनिंग देन ए लाइट क्रॉप, ये भी हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, कि हेवी क्रॉप जो है बहुत ज्यादा फ्रूट लगा हो वो ज्यादा थिनिंग मांगता है। ठीक है, एज कंपेयर टू ए लाइट क्रॉप। हाउएवर द प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव is to grow the largest crop with certain quality standard. ठीक है, ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होना चाहिए कि हम ऐसी बेहतरीन और ज्यादा क्रॉप उगाएं जिसके कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी होने चाहिए। ठीक है, ओवर साइज फ्रूट्स मे बी एन इंडिकेशन दैट द ट्री हैज बीन ओवर थिन। अगर आपने बहुत ज्यादा थिनिंग कर दी तो बहुत ओवर साइज फ्रूट बन जाएंगे, साइज बहुत लार्ज हो जाएगी, इसका यह मतलब हुआ कि हमसे जो है ना थिनिंग एक्स्ट्रा हो गई है। इफेक्ट ऑफ थिनिंग ऑन यील्ड, राइट? ये देखें, इफ वी हैव वन फ्रूट पर क्लस्टर वी हैव लोएस्ट यील्ड। ठीक है, एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रूट पर क्लस्टर द यील्ड इंक्रीजेस।
राइट, ठीक है, ज्यादा फ्रूट होंगे तो ज्यादा यील्ड होगी, ठीक है। हाउ एवर द नेट रिटर्न वी सी शो डिफरेंट पिक्चर, राइट, दैट वन फ्रूट पर क्लस्टर वी हैव ओनली 186 रुपीज पर केजी, बट टू फ्रूट पर क्लस्टर वी हैव मैक्सिमम रिटर्न, मैक्सिमम नेट रिटर्न, थ्री फ्रूट पर क्लस्टर वी हैव गुड रिजल्ट, बट एट फोर फ्रूट पर क्लस्टर नेट रिटर्न वाज द लीस्ट, सबसे कम। क्यों? क्योंकि ये छोटी साइज के बहुत ज्यादा फ्रूट थे और उनकी जो कीमत है वो इतनी अच्छी नहीं लगती, ठीक है। और हेयर वी हैव गुड फ्रूट साइज फ्रूट, बट द नंबर ऑफ फ्रूट इन ईच ट्रीटमेंट वी आर वेस्टेड वर वेरी लो, ओके। दिस इज द बेस्ट चॉइस, टू फ्रूट पर क्लस्टर फॉलोड बाय दिस, ओके। इफेक्ट ऑफ थिनिंग ऑन लिम ब्रेकेज, मैनी वेराइटीज ऑफ डिफरेंट फ्रूट सेट सो हैवली दैट दे मस्ट बी प्रॉप्ड और थिन्ड टू प्रिवेंट ब्रेकेज। बहुत ज्यादा फ्रूट लग जाए तो शाखें जो है ना टूटने लग जाती है। हाउएवर प्रॉपिंग समटाइम डज नॉट वर्क एंड थिनिंग इज रिक्वायर्ड, थिनिंग जो है वो खामखा जरूरत पड़ती है क्योंकि प्रॉपिंग जो है प्रैक्टिकली इतनी पॉसिबल। इफेक्ट ऑफ थिनिंग अपॉन रेगुलरिटी ऑफ फ्रूट प्रोडक्शन, थिनिंग द एप्पल आफ्टर जून ड्रॉप हैज लिटल आर नो इफेक्ट अपॉन चेंजिंग एंड अल्टरनेट बेयरिंग हैबिट, ठीक है। जून ड्रॉप के बाद जो है अगर हम थिनिंग करते हैं तो वो अल्टरनेट बेयरिंग को कंट्रोल करने में कोई उसका रोल नहीं होता, तो इसलिए हमें जितना जल्दी हो थिनिंग कर लेनी चाहिए। इट हैज बीन रिपोर्टेड दैट थिनिंग विद इन 4 वीक्स ऑफ फुल ब्लूम इंड्यूस्ड द डेवलपमेंट ऑफ sufficient flowers for a full crop the succeeding year in a number of apple varieties, ठीक है। 4 हफ्ते के अंदर अंदर फुल ब्लूम के 4 हफ्ते के अंदर अंदर अगर थिनिंग परफॉर्म कर ली जाए तो नेक्स्ट जो कमिंग ईयर होता है उसके लिए भी जो है ना सफिशेंट फ्लावर्स बन सकते हैं और हम एक अच्छी पैदावार दे ले सकते हैं अगले साल भी। The longer the thinning is delayed after bloom, the less pronounced its effect. ठीक है, थिनिंग को जितना ज्यादा हम डिले करते जाएंगे, लेट करते जाएंगे, इसका इफेक्ट इतना कम नजर आएगा। थिनिंग फॉर रिमूवल ऑफ डिजीज एंड इंसेक्ट इंजर्ड स्पेसिस, फ्रूट्स दैट हैव बीन इंजर्ड बाय इंसेक्ट एंड डिजीजेस एज वेल एज पुअरली शेप्ड स्पेसिमेन शुड बी रिमूव्ड, ठीक है। जब हम थिनिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो पहले पहले हमें जो है इंजर्ड जो होते हैं, डिजीज होते हैं, उनको रिमूव करना चाहिए ताकि ऐसा ना हो कि हम अच्छे फ्रूट रिमूव कर दें और इंजर्ड और डिजीज जो है वो आखिर में हमें हार्वेस्टिंग के टाइम पर मिले या फिर वो ग्रोथ के दौरान ही कहीं पर गिर जाए। इन पीच एंड प्लम द अमाउंट ऑफ सच डिजीज इज ग्रेटली रिड्यूस्ड बाय द स्पेसिंग ड्यू टू थिनिंग, पीच और प्लम में डिजीजेस आती हैं, ठीक है। तो अगर हम मतलब है कि थिनिंग करके फ्रूट के दरमियान थोड़ा फासला दे देते हैं तो ये डिजीज को भी बहुत ज्यादा कम कर सकती है। फर्दर मोर स्प्रे सॉल्यूशन विल मोर इफेक्टिवली कवर द फ्रूट्स इफ दे आर नॉट डेंसली क्लस्टर्ड, हाँ ये भी एक अच्छा जो है एडवांटेज हमें मिलता है कि जब हम किसी चीज के लिए स्प्रे कर देते हैं
तो जो थिनिंग हुए हुए फ्रूट्स होते हैं एक क्लस्टर पर कम, तो वो सारे के सारे जो है ना आसानी से स्प्रे के साथ कवर हो सकते हैं। और अगर क्लस्टर बहुत भारी हो, डेंस हो, बहुत ज्यादा फ्रूट हो, तो आधे फ्रूट जो है ना स्प्रे कवर कर देगा और आधे जो है ना इनसाइड जो है वो सारा स्प्रे उधर तक नहीं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ थिनिंग अपॉन रिड्यूसिंग द लेबर ऑफ हैंडलिंग द क्रॉप, डिक्रीजिंग द लेबर ऑफ हैंडलिंग एक्सेसिव क्रॉप्स ऑफ स्मॉल साइज फ्रूट इज ए फैक्टर ऑफ कमर्शियल कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, अब अगर हम थिनिंग नहीं करते और बहुत ज्यादा जो है ना स्मॉल साइज के फ्रूट हम पैदा कर लेते हैं, तो इस पर हमारी बहुत ज्यादा लेबर भी लगेगी। हर स्प्रे करते वक्त, हार्वेस्टिंग करते वक्त, करेटों में डालते वक्त, और उस स्मॉल साइज का जो है जो इनकम होगी, रेट होगा, वो बहुत कम होगा। ठीक है, रिड्यूस्ड लेबर कॉस्ट एट हार्वेस्ट पार्शली कंपनसेट फॉर द कॉस्ट ऑफ थिनिंग। ठीक है, अब हम जो थिनिंग कर लेते हैं उसको भी उस वक्त थिनिंग करते वक्त खर्चा आता है लेबर का, लेकिन वो हमें कंपनसेट हो जाती है उस वक्त जब हम आखिर में जो है ना रस्टिंग के टाइम पर लेबर बचा लेते हैं, बहुत ज्यादा स्मॉल साइज फ्रूट। एक्चुअली थिनिंग बिगेन्स एट प्रूनिंग टाइम व्हेन एक्सेस फ्रूटिंग वुड इज रिमूव। जब आप प्रूनिंग करते हैं तो उस वक्त एक्चुअली आप जो है थिनिंग कर चुके होते हैं, उस वक्त वो स्टार्ट होते हैं, क्योंकि जब आप थिन रिमूव करते हैं फ्रूटिंग वुड्स एक्सेस जो होते हैं, ज्यादा जो होते हैं, तो उस वक्त भी आप एक किस्म की थिनिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। व्हेन एक्सेस फ्रूट्स आर रिमूव्ड द ट्री मे देन यूटिलाइज ऑल अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स टू डेवलप द रिमेनिंग फ्रूट्स टू लार्जर साइज एज वेल एज टू इंक्रीज रूट एंड शूट ग्रोथ। ठीक है, जब आप टाइमली फ्रूट को रिमूव कर लेते हैं तो वो जो बच जाने वाले फ्रूट होते हैं वो अच्छी साइज के ग्रो कर जाते हैं, और न्यूट्रिएंट्स जो है जो स्मॉल साइज के फ्रूट की तरफ जाने इस्तेमाल होने वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रूट्स और शूट ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होते हैं। अमाउंट ऑफ थिनिंग, देयर आर फैक्टर्स, वेरियस फैक्टर्स इन्वॉल्व, राइट। कल्टीवर को देखना होगा कि इसकी कितनी हमें थिनिंग करनी है, हमें टाइम ऑफ मेच्योरिटी को देखना है कि क्या टाइम ऑफ मेच्योरिटी है तो उसकी कितनी थिनिंग करनी है, विगर को देखना है कि अगर दरख्त कमजोर है तो शायद कम थिनिंग कर रहे हैं, सेहतमंद है तो उसकी कम थिनिंग कर रहे हैं, और कमजोर है तो ज्यादा थिनिंग कर रहे हैं। एज ऑफ द ट्री, अगर बहुत ज्यादा एज का ओल्ड ट्री है तो उसकी भी ज्यादा थिनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि उस पर ज्यादा प्रेशर न पड़े, बहुत ज्यादा फ्रूट का ग्रोइंग कंडीशन कैसी है हमारे बाग के अंदर, उसके मुताबिक जो है ना हमने अमाउंट ऑफ थिनिंग को चेक कर। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, पर्सन मस्ट मेक द नीडेड एडजस्टमेंट टू सूट देयर ओन पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ सॉइल, वाटर सप्लाई एंड मार्केट डिमांड। ये फैसला जो है कि कितनी थिनिंग करनी है, ये बाग को जो ओनर होता है उसको खुद करना है, सॉइल की कंडीशन देखकर, वाटर सप्लाई और मार्केट डिमांड देखकर, कि मार्केट जो है उसकी स्मॉल फ्रूट की ज्यादा है या बड़े और गुड क्वालिटी फ्रूट। ओके गाइस, थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास देन।